गया है और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं। बताओ। गैसियस स्टेट के डाउट्स बताइए प्लीज। लेवल वन बताइए सबसे पहले। हाँ वो स्किप करने। सर एक मिनट। सर बोल। सर केवीपीवाई के लिए वो दोनों दोनों इक्विलिब्रियम और आइसोमेरिज्म के अलावा भी आप कुछ देने वाले क्या? हाँ यार देने वाला हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स देना है और एक लेक्चर और उसका देना है रिएक्शंस का। बस एक लेक्चर थर्मो का आएगा और एक लेक्चर रिएक्शंस का आएगा। थर्मो का लेक्चर मैं आज ही भेज दूंगा, रिकॉर्ड हो रखा है, वो केवल एडिट नहीं हुआ है। बोल भाई। सर आपने अभी तक के कौन से लेक्चर भेजे हैं? बस आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम ही भेजा है क्या? नहीं एक आइसोमेरिज्म भी भेजा है। एक बार वापस भेजेंगे क्या आप? फिर की टीम्स के ऊपर लिंक भेज देंगे क्या? भेज दूंगा मैं वापस, रीसेंड कर दूंगा। सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम के तो सारे एक ही टाइप के सवाल है। तो एक ही टाइप के होते हैं सवाल सारे, केवल ऑलमोस्ट पूरी बेसिक थ्योरी बोल दी ना। हाँ ऑलमोस्ट पूरा बेसिक पता पढ़ा दिया। इसके अलावा मैं ये दोनों लेक्चर में भेज दूंगा, मतलब एक तो मैं आज ही भेज दूंगा कि वो रिकॉर्डेड है, और एक मैं भेज दूंगा कल जो मेरे को कल भेजना था, मतलब संडे को रिकॉर्ड कर लूंगा। और इसके अलावा एक दिन मेरे को लाइव सेशन चाहिए 1 घंटे का, तो वो मैं बता दूंगा कब रख रहा हूँ। बस बाकी मेरे को नहीं चाहिए, बाकी आप सॉल्व करो प्रैक्टिस करो वैसा है। हाँ जी डाउट्स डाउट्स खेल लें प्लीज। प्लीज डाउट्स पूछ लीजिए। वेटिंग। एक्सरसाइज 1 के डाउट, लेवल 1 के डाउट पूछ लीजिए। वेटिंग। सर बोलो।
बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अमान 150 एंड 152, उससे पहले किसी को कोई और डाउट है? सर एक मिनट यार, एक मिनट करते करते 5 मिनट हो गए। सर एन अवस्थी या मॉड्यूल है? एन अवस्थी सर, एक मिनट बस। तो गैमा रेशो वगैरह वाले स्किप करने थे? हाँ वो स्किप करने के, सीपीसीबी वाले। सर बोल। सर वो CSE3 का बोलो ना सर, क्या क्या क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन था कि वो CSE3 से बने एक्सेल जो है ना, वो समर में अच्छे से ग्रो क्यों नहीं होते, तो वो भी लेट आता था इस प्रिंसिपल पे क्या? भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ सर, केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, मतलब CaCO3 प्लस CO2 प्लस वो, तो केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, उतना प्रेशर होता नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती नहीं है वैसा ही। समझा? हाँ सर। ओके, कुछ और डाउट्स है? भाई मेरे को किसी और की आवाज नहीं आ रही, मेरे लिए सब म्यूट है। चलिए, तो जो डाउट्स आए हैं उसके अंदर आया है 54, 65, 70, 74, 85, 73, 128, 150, 152, 163, बस, और एक 98। मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ का क्या मतलब है भाई?
क्वेश्चन नंबर 54 क्या अभी भी आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइस? तो मेरे बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, किस टाइप का है? हमिंग है, हॉर्न है, क्या है? हॉर्न है तो यार अब रोड के पास बैठूंगा तो आवाज तो आएगी, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। एक मिनट होल्ड करो। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास बलून्स है ऐसे, डिस्कस कर रहा हूं मैं, फिर 36 है, 40 है, 43 है, 52 है, 69 है, 78 है, 130 है, 150 और 175 है, ठीक है। आगे भाई, इस वाले में क्या होगा, इनर बलून है 600 ml का और आउटर बलून है 1500 ml, टोटल वॉल्यूम। आपने इन दोनों को हीट किया तो कौन सा बलून फटेगा? देख लो किसका मैक्सिमम वॉल्यूम कैपेसिटी पहले अचीव हो रहा है। सर आंसर सी आ रहा था। नहीं, सी तो कैसे आएगा? नहीं सर आता है भाई, सोच लेना। 1500 by T1 भाई, 1500 से 1800 बोल। 1500 रहेगा ही नहीं क्योंकि अंदर वाला तो अलग है ना, तो 1500 - 600 रहेगा ना। अरे वॉल्यूम तो 1500 ही रहेगा ना, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ बलून दिया था ना कि बलून कितना फूले हुआ है। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो मतलब मेरा ऐसा कहना था कि जो 4/3 πr² रहेगा वो 1500 ml दिया था ना, तो प्रॉब्लम क्या है तेरी? तो प्रॉब्लम तो ऐसे है, तो फिर अंदर वाला जो बलून है वो 600 ml का, तो हाँ। वो तो आधी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे ना वो 1500 में की। ठीक है, कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होएगा? तो फिर उसे आंसर सी आ रहा था। अरे मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात था, सिंपल सी बात था। तू ये कहना चाह रहा है ना कि यदि इसमें गैस ए है और इसमें गैस बी है तो जो गैस ए का वॉल्यूम है वो 900 है, गैस बी का वॉल्यूम है जो 600 है, ये बोलना चाह रहा है ना तू? हाँ तेरी बात सही है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर वॉल्यूम तो 1500 ही है ना। जब तू उसको हीट करेगा तो ये भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों गैस एक्सपैंड करेगी तो उससे ये बलून भी एक्सपैंड करेगा। अब बात यह है कि दोनों के एक्सपेंशन है, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेज है, थोड़ी देर के बाद दोनों बलून बड़े हो गए, क्या दिक्कत है भाई? पूरा वॉल्यूम का वॉल्यूम ही बढ़ेगा ना, तो अंदर वाला भी बढ़ेगा और बाहर वाला भी बढ़ेगा, तो इसको एक गैस भी तो मान सकता है, कोई मना थोड़ा ना कर देगा एक गैस मानने में। बात यह है कि इसकी मैक्सिमम रीच पहले अचीव होती है कि इसकी मैक्सिमम पहले अचीव होती है, वो ये थोड़ा ना कह रहा है। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो 600 वाले के ऊपर भी वही इम्पैक्ट आएगा जो 900 वाले पर आएगा।
ठीक है सर, समझ गया। 54 डन, 54 के बाद 36, 36 में क्या डाउट है मानस? सर वो हीटेड इन ओवन ऑफर टू ड्राई ऑफ वाटर का मीनिंग है। अरे सारा पानी बाहर निकाल दिया तूने, तो ये क्या होगा? MgSO4.XH2O जो है ये बन जाएगा MgSO4+XH2O, खत्म सारा पानी बाहर। और इस पानी का प्रेशर है जो भी कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 52 है फोर्टी में क्या डाउट है? मानस 40 और 43 में क्या डाउट है? सर वो 40 का आंसर नहीं आ रहा, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। भाई P1 E1 P2 V2 से आएगा भी नहीं, टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है दोनों का। हाँ मतलब वही P1 V1 upon T1 वो वही आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 100%, 1% भी डाउट नहीं है, 100% आएगा। कैलकुलेशन वापस चेक करो, सर लेकिन उसमें दो वेरिएबल्स हो जाएंगे ना? तो क्या दिक्कत है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। सर लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, नीचे दिया है अनचेंज्ड है टेम्परेचर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन? 48। अरे मैं 41 रीड कर रहा हूँ। A compressed cylinder of gas contains इतना gram of N2 at a pressure इतना and temperature इतना, the what volume of gas must release? हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल P1 V1 equals to P2 V2, दिक्कत क्या है? सर पता नहीं वो आंसर 1000, मेरा 1204 आ रहा है, 1264 नहीं आ रहा। आता है सर आंसर। भाई कुछ नहीं करना है, मोल से हटाने, मतलब P1 V1 minus P initial V initial minus PX VX equals to P final V final करना है बस। इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉल कैलकुलेशन कर आंसर आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, इसके बाद तुमने मेरे से पूछा है 43 के बाद 43 में क्या डाउट है भाई साहब? H1 रो 1 मस्ट बी इक्वल टू H2 रो 2, ऐसा करना है। हेलो, हाँ सर। 52 में क्या डाउट है? सर बोल दो ना कैसे करना है 52। सर इक्वल, बिल्कुल। अब क्या है, तू चाहता है कि भाई ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और जो काइनेटिक एनर्जी है वही है। अब तो इसको एक हाइट पर लेके जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो इक्वेट कर दे कि रेस्ट पर कब आ जाएंगे, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे
सर मतलब 3/2 केटी है क्या और इक्वल टू एमजीएच? बिल्कुल के बाद 65 में क्या डाउट है भाई? नीला क्या डाउट है? सर वही सर, दो कनेक्टिंग कंटेनर्स वाला नहीं समझता था। इधर समझ भाई, ये एक कंटेनर लेफ्ट में, इसका वॉल्यूम है 8.21 लीटर, दूसरा है उसका भी है 8.21 लीटर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 3 मोल CO2 है, तीन मोल CO2 है और 2 मोल हीलियम है, और जो राइट हैंड साइड वाला वेसल है उसके अंदर 500 केल्विन है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इक्वल टू एनआरटी पीवी। सर फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? निकालना ही नहीं है, आंसर क्या आंसर दे रखा है? सर 80 दिया है। बराबर है सर। तो इसमें डाउट क्या है? सर वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से भी कर सकते हैं। अबे वो सब करना ही नहीं है, सीधा से इसने बोला कि यहाँ पे 2 मोल है 400 पे, ये दोनों कनेक्टेड है, तो जो प्रेशर यहाँ लगेगा वही प्रेशर यहाँ लगेगा ना, तो प्रेशर बराबर कर दिया, तो इसका प्रेशर निकालिए खत्म, पूरा का इसको सॉल्व कर रहा है। उसने थोड़ा ना कहा कि यहाँ से गैस इधर गई, उसने तो कहा कि इसमें ऐसा है। सर उससे मतलब आएगा ना, उससे भी? अबे उससे आएगा नहीं आएगा मैं क्या सोचूं, क्वेश्चन में दिया है मैं तो वो सॉल्व करूंगा ना। खैर उससे नहीं आएगा, मतलब उससे भी आएगा उससे भी नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा। सर वॉल्व खोला है, सर वॉल्व बंद नहीं है। तो क्या हो गया, वॉल्व खोला है तो शुरुआत से ही है ना? हाँ तो दो मोल उसने ये बोला ना कि तो खोलने के बाद 2 मोल है, उसने थोड़ा ना कहा खोलने से पहले 2 मोल है, उसने तो कहा खोलने के बाद 2 मोल है लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेनर में, खत्म बात। तो टेंपरेचर डिफरेंस कोई रोल नहीं प्ले करेंगे 400-500? कुछ नहीं कर रहा है, उसको तो केवल प्रेशर बराबर करने से इंटरेस्ट। ठीक सर, मतलब वो सेकंड वाला कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट आगे बताओ, सिक्सटी फाइव के बाद 70 में क्या डाउट है भाई? सर ये क्या ऐसे गैसेस कौन से रहते हैं फिर जो रिएक्ट कर जाते हैं? तो SO2 और Cl2 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो इक्वेशन लाइक कौन से क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या कि रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर रहे? नहीं वो यार थोड़ा वो धीरे-धीरे करके जब रिएक्शंस पढ़ लोगे तब आइडिया लगने लग जाता है सर। लेकिन लाइक ऐसे क्वेश्चन था कि लाइक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स किया तो वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। उसका टेम्परेचर कितना था वो NH3 बनाने के लिए, कितना लगता है? वो यार हाई अलग कंडीशन, मतलब वो मेहनत वाली कंडीशन से, वो जब आएंगी तब का तब देखेंगे। ठीक सर, आपने एक 69 मिस कर दिया। 69 में क्या डाउट है सर? ये मतलब नहीं आया मुझे।
तो उसने क्या बोला है कि 69 ने 80 टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर है 355 mm, एक लीटर वेसल है जिसके अंदर O2 है 80 पर और टोटल प्रेशर है 760, तो 355 प्रेशर होगा वाटर का और बाकी होगा ऑक्सीजन का। अब आपने और यहाँ पे लिक्विड वाटर भी है और आपने इसी को 0.3 के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो आप कहोगे P1V1 = P2V2, तो ये हो जाएगा 760 माइनस 355 × 1 मस्ट बी इक्वल टू P2 × 0.3, जो कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P2 ऑक्सीजन का प्लस 355, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस। सर वो आपने टोटल प्रेशर में से वो वाटर का निकाल के ऑक्सीजन का निकाला है। हाँ मतलब कि वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा, उसको कोई मतलब नहीं होता है। आगे 70 डिस्कस हो गया, 70 के बाद अगला 74 73, सेम ही है 73 74, 74 सेम है, 73 माइनस में। 73 में क्या डाउट है भाई, सेम ही डाउट, सेम ही क्वेश्चन है। अरे सेम इट आउट हो गया क्या, गया क्लियर। नेक्स्ट 74 के बाद 73 74 हो गया है, 78 में क्या डाउट है भाई, सर वो हो नहीं रहा था, एक बार प्लीज बताइए ना भाई 78 में क्या बोल रहा है कि O2 और SO2 है 1:3 रेशियो में, 3 लीटर में भरा है, तो उसने क्या बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.6, तो SO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1.8 और कंसंट्रेशन N/V = P/RT है, तो PV = nRT, तो N/V चाहिए तो P/RT 1.8 डिवाइड बाय R 0.0821 × 300, सॉल्व कर ले इसको, क्या टेंशन है। वो 1.8 कैसे आता है? हां 1.8 कैसे, अबे उसने बोला ना कि मोल रेशियो 1/3 है, सर मास रेशियो बोला है, अबे मोल्स रेशियो बोला है बे, सर प्रेशर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, नहीं ना सर मास है ना, मास रेशियो बोला है, मतलब वो मास और अपॉन अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास होगा ना सर, मास दिया ना वो। क्वेश्चन है O2 एंड SO2 गैसेस आर फिल्ड इन रेशियो 1:3 बाय मोल्स इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ 3 लीटर। सर हमारे बुक में मास दिया है, मास दिया है इसके अंदर, सर यहां मोल्स ही दिया पीडीएफ में, सर एडिशन मेरी बुक हमारे मेरी बुक में मास, मेरी बुक में मोल्स है खत्म। सर मास होता तो फिर ऐसे कर देना उसको m अपॉन उसका मास अपॉन, हां बिल्कुल बिल्कुल वैसे करते फिर। नेक्स्ट 78 के बाद अगला 85 में क्या डाउट है, हेलो
भाई वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चन में वेपर प्रेशर सीधा ऐड हो जाएगा जो भी कोई प्रेशर, भाई मान लो वेपर प्रेशर दे रखा है 100, तो जो भी कुछ प्रेशर आएगा ना गैस का, टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर, खत्म। जैसे उसने क्या बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 एमएम है, तो उसमें से 22.4 तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये वेपर प्रेशर का है, तो जो प्रेशर ऑफ O2 होगा वो कितना होगा, 760 माइनस 22.4। ठीक है 85 के बाद 98 में क्या डाउट है भाई? My mixture of any and AR is 250 Kelvin and has kinetic energy 3 kilojoule. Total mass 30 दे रखा है, total moles निकाल सकते हो। सर 98 हो जाएगा, पढ़ाने के पहले इसलिए मार्क है। ओके 128 में क्या डाउट है? A gaseous mixture containing 128, sorry, 80 moles of O2 takes 2 minutes to pass through. यार इसमें क्या डाउट आया भाई तेरे को? सर टाइम वाला रिलेशन किधर लगाएंगे? अब R1 upon R2 equals to under root M2 by M1. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dN by dt upon dN2 by dt equals to under root M2 by M1. ये दे दिया तेरे को। ये क्या है दिया? 80 by 2 by x by 3 must be equal to, रेट लगा लेने का। हाँ ठीक आ जाएगा। 128 के बाद अगला 150। सर एक 105 मुझे आपको कुछ पूछना था। पूछ। सर 105 में तो उन्होंने वो जो ग्राफ है वो तो सिमेट्रिकल दिया है। ये रेगुलर ग्राफ है, उसने उसमें पूरा वो प्लॉट नहीं किया है ना, इसलिए नहीं है सिमेट्रिकल। यदि वो पूरे सब कुछ प्लॉट कर देगा तब अनसिमेट्रिकल होगा, वरना ये सिमेट्रिक, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी ऑफ द ग्राफ नहीं मैटर करती है, अंटे अनलेस क्वाड्रेंट दे रखे हो। नेक्स्ट 150 में क्या डाउट है? हेलो सर, वाई इंटरसेप्ट कैसे ढूंढने? तू सोच के देख उसने क्या पूछा तेरे को, इक्वेशन क्या बनाने को बोली है? P versus rho versus P, तो PM equal to DRT होता है, ठीक है, तो P by D equals to RT by M होगा। लेकिन आइडियल वाला कैसे लगाया आपने इसके ऊपर? वो बताया उसने कि डेविएट हो रहा है वो आइडियल से, तो ये ले हटा लेते हैं, इसमें ऐसे कोई मना थोड़ी ना करने वाला है भाई। पी ऐसा लिख सकता है, ये लिख सकता है V से डिवाइड कर दे इसको, तो P प्लस A बाय V क्यूब, V माइनस B बाय V, नहीं सर V आएंगे ना पहले P में, v square by v equals to m by v into 1 by m into rt, ऐसा बनेगा। हेलो, ये डेंसिटी बन जाएगी। हाँ तो जो भी कोई रिलेशन बनेगा उसके अंदर ये इंटरसेप्ट बनेगा हर कीमत पे।
हेलो हाँ सर समझ गया सर दोनों में से y एक्सिस पे कौन सा आ रहा है भाई y एक्सिस के ऊपर p / d आएगा मतलब p / rho ये y पर होगा y वर्सेस x ग्राफ होता है अपने लिए हमेशा हाँ तो यही बनेगा कि इसके आगे ही बनेगा जो भी कोई फंक्शन बनेगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट सर बोल सर लेकिन अगर y इंटरसेप्ट पे तो p जीरो हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा वो नहीं समझा मतलब y इंटरसेप्ट पे x जीरो रहता ना तो प्रेशर जीरो हो जाएगा तो p / डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा हाँ तो वो तो जीरो होगा ही ना तभी तो y इंटरसेप्ट बनेगा दोनों ही जीरो हो जाएंगे ना भाई इंटरसेप्ट अपन थियोरेटिकली निकालेंगे वैसा रहेगा मतलब अपन एक्स्ट्रापोलेट करके निकालेंगे ऐसा कुछ या ऐसा कुछ ग्राफ चालू होगा इसको अपन एक्स्ट्रापोलेट करेंगे वो तेरी बात सही है कि भाई नॉट वो तो फिर मतलब ही नहीं बचेगा ना जीरो बाय जीरो फॉर्म्स का तो समझा नेक्स्ट 150 के बाद 152 में क्या डाउट है भाई तो उसमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती तो बनाओ ना सर मेरा आंसर अलग आ रहा था क्या आ रहा था a / रूट पी a / रूट पी कैसे आएगा यार भाई तेरे को एट लो प्रेशर पूछ रखा है तो a प्लस a / v स्क्वायर v इक्वल्स टू rt दे रखा है ठीक है अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तेरे को मेरे हिसाब से अब सॉल्व हो जाएगा आर टी दे रखा है अंडर रूट टू रूट ए पी हाँ सर वो सब करा वो परफेक्ट स्क्वायर भी बनता तो उससे ए बाय रूट टी आ रहा है ए बाय रूट टी कैसे आएगा यार रूट टी पी प्रेशर वाला यार आना तो नीचे ही है बाकी सॉल्व करके देख लेता हूँ तू कहे तो कौन सा क्वेश्चन है ये सर सर उसमें ना पहले डालने की नहीं फिर बहुत कॉम्प्लिकेट होता है पहले नॉर्मल सॉल्व करने का और फिर लास्ट में सिंपलीफाई होने के बाद आगे डालने का चलेगा वैसा भी कर सकते हैं भाई देखिए इसी बात है इस इक्वेशन के लिए इतनी क्वाड्रेटिक बन गई तो इससे तेरे को वॉल्यूम के रूट्स मिल जाएंगे वॉल्यूम का रूट जो भी कुछ आएगा वो देख ले वो शायद RT / 2P आना चाहिए सर लेकिन वैल्यू अभी ही डाल लेते तो वो ये हो जाता परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो एक सेकंड रुक जा मैं हमने इक्वेशन आई PV स्क्वायर माइनस RTV प्लस A इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन बन रही है हाँ सर अब RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी PV स्क्वायर माइनस RT की वैल्यू कितनी है भाई 2 रूट ऑफ A इनटू P 2 रूट ऑफ PV स्क्वायर रूट
नहीं बनेगा ऐसे नहीं सर, आप देख लेते हैं उसमें निकालो फिर नहीं होता है सर सॉल्व। पहले जो पहली क्वेश्चन लिखी है ना सर वो सॉल्व करने पे बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा तो बन जाएगा जल्दी से। हाँ सर, तो पहले वो कर लेता हूँ। तो v माइनस बी आर टी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आर टी आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस फोर ई ए प्लस माइनस बाय टू ई, तो ये बन जाएगा आर टी प्लस माइनस इसको सॉल्व करेगा सर वो आर स्क्वायर टी स्क्वायर फिर फोर ए पी होता ना, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता। फोर ए पी सही बात है, ये फोर ए पी हो जाएगा तो इतना जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी बाय टू पी। सही कह रहा है भाई, ऐसे कर लेंगे जल्दी बनेगा। अमान क्लियर है? हाँ सर, वो मेरा भी आंसर सेम था, बस रिप्लेस नहीं करा। आगे 152 के बाद अगला 152 हो गया। 163 में क्या डाउट है? The pressure remaining the same, the volume of a given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade. इसमें क्या डाउट है? तो इक्वेशन है सीधी, मैं ये नहीं बताऊंगा। 163 बार 163 किसने पूछा है मुझसे? सर मैंने। क्या डाउट है इसमें सर? इक्वेशन मतलब मेरे को समझा नहीं। अबे मैंने वही ना वॉल्यूमेट्रिक डिग्री सेल्सियस। हाँ वही 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 वाली भाई, अपन ने इसको जब V वर्सेस T के लिए पढ़ा है, जब अपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, तो एक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इक्वेशन पढ़ गया, वैसे P के लिए बना लेने की है। ओके तो फिर पर वो इजी है ना, फिर उसमें वो बॉयल्स टेम्परेचर बाकी के टेम्परेचर क्यों थी? नहीं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ना सीधा आंसर, इसमें करना क्या है? ठीक है सर। हाँ सर, बाकी ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो गया था। हाँ, और आइडियल गैस का तरह तो बॉयल्स टेम्परेचर होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो नॉनसेंस स्टेटमेंट से दोनों। हाँ ठीक, कल को यहाँ पर है ना ऐसा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, टेम्परेचर दे रखा होगा औरंगाबाद टेम्परेचर, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? इररिलेवेंट है ना वो चीज। आगे और एक आखिरी क्वेश्चन बच गया 175 में क्या डाउट है सरकार? सर वो वॉल्यूम कैसे निकाले? वो तो वैसे भी पता ही हमें, जेड की 3/8 है उसके लिए। तो क्या करें? बताओ क्या करें? सर वही तो नहीं समझ रहा। वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि पी आर वी आर टी आर क्या है, या फिर है कि नहीं है, या उसका कोई रोल भी है कि नहीं है, वो मैं क्या जानू, वो तो आप जानोगे, थोड़ी मेहनत तो आप भी करोगे। सॉरी, इन दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट हेल्प यू मानस, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इसमें ऐसा मतलब सीधा सा सब कुछ दे रखा है, फिर सॉल्व करना है, इसीलिए आप एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आप जैसे ये सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं। मानस भाई सर मतलब वो क्रिटिकल का क्या रिलेशन है वो समझाने मुझे। पहले बता टी आर क्या होता है? टी आर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर नहीं, टी आर होता है टी बाय टी सी। ओके हाँ सर समझ गया, और वो डाटा की मैंने हाँ कर लूंगा। तो सब कुछ दे रखा है तेरे को, पी आर पी बाय पी सी होता है, पी दे रखा है, वी आर वी बाय वी सी होता है, वी नहीं दे रखा है, रेशियो बना सीधा मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर आगे चलिए, अब थोड़ा पढ़ लें आज का। हाँ सर आ गई
अब मुझे बताओ मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि मेरे को आज शायद वो स्टेबिलिटी और वो सब पढ़ाना था ना आज सर रेजोनेंस का दिखा था सिर्फ अपन ने नो वो रूल्स लिखे थे मैंने समझाया नहीं था ना नहीं सर सिर्फ एक कॉन्जुगेट का इक्वेशन किया था जैसा बताया था चलिए आज की डेट क्या है 23 जून अरे यार टीम्स का है यार एक तो कहना है मीटिंग चेंज करने की समस्या ऐसी है कि फिर चैट ढूंढने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है ओके कॉन्जुगेशन समझाया था ना अब जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर स्टेबिलिटी और रेजोनेंस हाइब्रिड की बातें कर लेंगे और ये मुझे आज ही खत्म करना है चलो देखते हैं मेरे पास है ये वाला मॉलिक्यूल एक एक करके देखेंगे ये मॉलिक्यूल है क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन बिल्कुल है सब तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने के बाद वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों तरफ के इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट का मौका मिलेगा और इनका मूवमेंट शो करने के लिए ये कुछ ऐसे मूव करेंगे और इसके बाजू वाले ऐसे मूव करेंगे देखिए ये फ्लो क्यों बन रहा है ये फ्लो बन रहा है क्योंकि इसमें स्ट्रेन है क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्टेड हैं यदि अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट होंगे तो इनका स्ट्रेन कम होगा तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले ऑर्बिटल्स कभी इधर रहेंगे कभी इधर रहेंगे जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव एक कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव और बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड ये मॉलिक्यूल कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा क्लियर है ये एल्कीन बन जाएगी दूसरा ये एक रेजोनेटिंग हो गया अब जिस तरह से ये मूवमेंट हुआ है वैसे ही एक और मूवमेंट हो सकता है और वो मूवमेंट कौन सा होगा देखिए कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करें और इधर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करें आपको ये स्ट्रक्चर कैसा मिल जाएगा इधर नेगेटिव ये डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव देखिए देखने वाली बात क्या क्या है एक तो अपन ने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच के अंदर एक डबल साइडेड एरो मारा है ठीक है दूसरी बात ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कर्व्ड एरो से दिखाया गया है ठीक है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रक्चर वन ये है स्ट्रक्चर टू ये है स्ट्रक्चर थ्री टू और थ्री जो है ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है इसीलिए इनको इक्विवेलेंट आरएस बोलते हैं सर मतलब ये टू और थ्री भी पहले मतलब वन जो है वो टू और थ्री का भी रेजोनेंस है बोल सकते हैं कि फिर वन के टू और बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है तीनों आपस में एक दूसरे के आ रहे हैं टोटल तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ठीक है अब यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताइए स्टेबिलिटी के लिए इन रूल्स इन सीक्वेंस जो पहला वाला है उसमें सबका ऑक्टेट पूरा है बिल्कुल इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है जो सेकेंड और थर्ड वाले हैं उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है पर दोनों आइडेंटिकल है इसलिए दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसे हो कि मतलब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकेंड से एंड सेकेंड ज्यादा स्टेबल है थर्ड से ये ऑर्डर आएगा अब इसी ऑर्डर के हिसाब से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा जरा देखेंगे देखिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इस ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक वन टू और थ्री की होगी पर टू की ज्यादा होगी मतलब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और ये जो बीच वाला है
जहां पर टू और थ्री में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, क्योंकि ये जिस स्ट्रक्चर से आ रही है ये टू और थ्री से आ रहा है और टू और थ्री लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्या है रेजोनेंस, समझा आपको? सर रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या? हाँ सर, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा। सर और डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है वो मैक्सिमम वहीं पर होता है क्या जहां पर मतलब जो ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड हो? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अगला मेरे पास है ये कंपाउंड, इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, दोनों को अपन ने डबल साइड एरो से दिखाया है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बिल्कुल, वन इक्वल टू टू, दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वली स्टेबल, ठीक है। और स्टेबिलिटी के बाद इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर, मतलब यदि मैं एग्जैक्टली बात करूं तो इन दोनों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस हाफ पाई बॉन्ड, और इन दोनों ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तो डेल्टा पॉजिटिव लिख दोगे या फिर आप ये भी बना सकते हो इसकी जगह पर प्लस हाफ प्लस हाफ। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर। सर हाफ मतलब? भाई एक प्लस चार्ज था। अच्छा आधा। ये प्लस चार्ज आधा आधा। आगे तीसरा, इसका रेजोनेंस कैसे होएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये पाई बॉन्ड को रिपेल करेंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकंड, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इक्वली स्टेबल। ग्रेट। माइनस ऑफ चिपका दूं इसको, आइडेंटिकल आर एस क्या इक्विवेलेंट आर एस, ठीक है। और देखते हैं सर वो रेजोनेंस हाइब्रिड इंडिकेट किसको करता है, मतलब वो रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या कर रहे क्या उसमें वो एक्चुअली? देख सुन, ये कंसेप्ट कैसा है कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना वो रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, समझ गया? सर मतलब जब एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं मॉलिक्यूल को तो दोनों कार्बन पे पॉजिटिव मिलता है? बिल्कुल, दोनों तरफ रिएक्शन होती है, दोनों तरफ अट्रैक्शन होता है नेगेटिव का, वैसा। इधर देखो आगे, आगे।
एक थोड़ा सुनो इसको, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इक्वली होंगे फिर से। स्ट्रक्चर टू होगा ना सर? क्यों सर? उसका पाइप ये डबल बॉन्ड एकदम स्टार्टिंग में चेन के बीच के जगह पर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, नहीं जो फर्क पड़ना चाहिए पॉजिटिव पे पड़ना चाहिए। इधर पॉजिटिव को यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, प्लस का इफेक्ट लग रहा है, तो सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हल्का सा आता होगा, ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा आता होगा, और क्योंकि इंडक्टिव बहुत ही वीक इफेक्ट होता है। यहाँ डेल्टा वन पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा टू पॉजिटिव, एंड डेल्टा टू पॉजिटिव इज मोर देन डेल्टा वन पॉजिटिव। समझा? समझा सर? वो इंडक्टिव वाला बताना फिर से भाई। समझ, दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें ये जो बॉन्ड है ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे सी एच थ्री है, जबकि इधर जो प्लस आई बहुत दूर से लग रहा है, तो कहाँ पे प्लस आई ज्यादा स्टेबल होएगा, मतलब कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होएगा? सेकंड वाले में। हाँ ठीक ठीक है, आगे ये रेजोनेट करेगा, ये इधर, ये इधर, ये स्ट्रक्चर वन, ये स्ट्रक्चर टू, दोनों में से कौन सा वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला, सेकंड वाला कि पहला वाला? मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। सेकंड वाला लग रहा। सेकंड वाला क्यों लग रहा भाई? नेगेटिव चार्ज है, बाकी सबके ऑक्टेट पूरे हैं, बस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव है तो कम स्टेबल होएगा। ठीक है, तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा नहीं, गलती से गलत बना दिया। यहाँ डेल्टा नेगेटिव वन, यहाँ डेल्टा नेगेटिव टू, एंड डेल्टा नेगेटिव टू इज मोर देन डेल्टा नेगेटिव वन। आर वी क्लियर? कितना होगा वो, वन में से कितने कितने होंगे मतलब? नहीं नहीं, वैसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, केवल जब अट्रैक्शन होगा तो कहाँ ज्यादा अट्रैक्शन होगा अपन उसकी बातें कर रहे होते हैं। आगे जाके अपन बहुत जब बातें करेंगे तब बात करेंगे कि भाई कहाँ पे क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड का कोई मैटर नहीं है ना, मैग्नीट्यूड अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे CH2 NH2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर स्ट्रक्चर वन। क्यों सर? एन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो नहीं होता स्टेबल सर। अच्छा, स्ट्रक्चर वन या स्ट्रक्चर टू कौन ज्यादा स्टेबल है? चलिए, स्ट्रक्चर टू इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर वन। ये स्ट्रक्चर टू कंप्लीट ऑक्टेट है, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट। स्ट्रक्चर वन में इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन है।
ठीक है ठीक है यस सर आगे। और जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, सी एच टू एन एच टू पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ डेल्टा वन पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा टू पॉजिटिव, एंड डेल्टा वन पॉजिटिव इज मोर देन डेल्टा टू पॉजिटिव क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। आगे देखते हैं, ये रेजोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, 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 और ये वाला बॉन्ड इस वाले का ऊपर। ये स्ट्रक्चर है वन, ये स्ट्रक्चर है टू, ये स्ट्रक्चर है थ्री, ये स्ट्रक्चर है फोर, ये स्ट्रक्चर है फाइव। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है वन टू थ्री फोर फाइव में बताइए। टू थ्री और फोर सेम है क्या सर? नहीं, स्टेबिलिटी में नहीं। तो वन और फाइव सबसे ज्यादा स्टेबल है वन इक्वल टू फाइव, दोनों एक जैसे हैं आइडेंटिकल, उसके बाद कौन होगा? सर फिर टू इज इक्वल टू फोर होगा और फिर टू थर्ड होगा, टू इक्वल टू फोर होगा और फिर होगा थर्ड। बिल्कुल सही, क्यों सर? चार्जेस नजदीक नजदीक है ना, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। हाँ सर। चार्जेस नजदीक नजदीक है तो लाइक चार्जेस क्लोजर इज मोर स्टेबल देन लाइक चार्जेस फार अवे, ठीक है सर? अनलाइक चार्जेस ना, यानी मतलब लाइक चार्जेस पास रहेंगे तो बढ़िया रहेगा ना? नहीं सर, लाइक चार्जेस पास रहेंगे तो फिर वो अनस्टेबल होगा ना? बिल्कुल होगा। तो सर फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला क्या? अबे तू और मैं सही बात बोल रहे हैं, सो मैं टेंशन मत ले। हाँ बोल भाई मानस। सर फिफ्थ वाला फिनॉल है। हाँ फिफ्थ वाला ही फिनॉल है, फर्स्ट वाला ही फिनॉल है, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर ही है। सर फिर वन फर्स्ट और फिफ्थ में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, आइडेंटिकल है सर। बोलो सर, बेंजीन रिंग में भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी वही बताने वाला हूँ। फिनॉल में नहीं किया अपन ने, नहीं तो फिनॉल के अंदर भी आएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अब बनाएंगे ना, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ऐसा हर तरफ डबल बॉन्ड घूम रहा है, ये OH, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, तो स्ट्रक्चर्स उसके सिर्फ पांच नहीं आएंगे, पांच
नहीं पांच ही आएंगे ना। चल अभी समझ, अभी बेंजीन का बना लेते हैं एक बार समझ, फिर बात करेंगे। भाई बेंजीन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये दोनों आर एस बन गए। ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर वन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर टू है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसा बनेगा कि हर तरफ बराबर 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 डबल बॉन्ड है, और हर जगह का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 होगा, एक सिग्मा प्लस हाफ पाई। तो आप इसी को ऐसे वो बीच में गोला बनाते हो, ये गोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बस आप बता नीला क्या कह रहा है। नहीं मैं कह रहा था कि अभी जो अभी अगर आपने मार किया तो अगर टॉप वाले कार्बन को वन पकड़ा तो वन से लेफ्ट में वन और टू में डबल बॉन्ड है, तो वो सेम डबल बॉन्ड टू और थ्री में भी रहेगा ना, और वो ऊपर वाला निकल जाएगा, वही रेजोनेंस था। लेकिन वो सेम इफेक्ट वो फिनॉल वाले रिंग में क्यों नहीं दिख रहा ऐसा? अरे बिल्कुल है ना, देख इधर समझ भाई, इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑल्टर हुआ है, पर ये तो स्ट्रक्चर देखेगा तो इधर किधर समझ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके बाद कभी नहीं है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, तो ये दोनों के एग्जिस्टेंस बराबर है, तो इस बार इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बराबर होगा। ये जो बॉन्ड है, ये दोनों तीन में डबल बॉन्ड है इस वाले पे, और तीन में डबल बॉन्ड होगा इधर वाले में। ओके वैसा है कि भाई हर तरफ चीजें बराबर बराबर सी, इतने डबल मतलब एक दो स्ट्रक्चर में लेफ्ट में डबल बॉन्ड, दो स्ट्रक्चर में राइट में डबल बॉन्ड होगा, तो थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर का अंतर आएगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं बस, पर वो इतना कम डिफरेंस है कि अपन उसको दिखाते रहेंगे तो डॉट्स के अंदर वो समझेगा ही नहीं, एक डॉट कम बना एक डॉट ज्यादा बनाया उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सर वो OH बॉन्ड पे नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा 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 आएगा, ये आएगा। क्लियर है ये? हेलो, सारे इक्वल है ना, ये डेल्टा नेगेटिव नहीं, हल्का सा अंतर है, पर अभी इक्वल लिख सकते हैं, ऐसे कोई बहुत टेंशन नहीं है, हल्का सा अंतर तो है ही भाई। मैं बोल लूंगा कि इनमें से ज्यादा किसमें है, तो यदि इन डेल्टा नेगेटिव्स को अलग अलग कर लिया जाए तो यहाँ डेल्टा वन, यहाँ डेल्टा वन, यहाँ डेल्टा टू, तो डेल्टा वन नेगेटिव इज मोर देन डेल्टा नेगेटिव टू, ऐसा लिख सकते हो। बस अब हो गया, अगली क्लास में एरोमेटिसिटी और एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस खोलेंगे, आज का टारगेट अचीव्ड। आज की तारीख बता दो प्लीज। सर एक डाउट था सर, क्लास बोल भाई बोल ना।